यार बहुत खर्चा हो रहा है इस महीने। ये इतने आ गए, तो चार तीन ऐसे। हाँ बात सुनो, एक सेकंड रुको ना, कैलकुलेट कर रहा हूँ। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? बोलो कैसे बोलूं। बोलो मैं तुम। अभी वॉशरूम गई थी तो मुझे ना ऐसे ब्लड के वो नहीं होते क्या, पैचेस वैसे टाइप का कुछ आ रहा है। मतलब यार तुम कैसे समझाओ, ब्लीडिंग हो रही है? ब्लीडिंग नहीं हो रही, जैसे वो होते हैं ना पैचेस होते हैं वैसे हाँ टाइप्स का कुछ। क्लॉट्स। हाँ एक मिनट रुको, मैं कॉल करता हूँ। ठीक है क्लॉट्स मत बोलना, पैचेस बोलना, ठीक है? वो जो और ना समझ जाए। अच्छा ठीक है ना, मेरी माँ। 2 मिनट रुको, पेन हो रहा है? नहीं पेन तो नहीं हो रहा, बट कुछ उल्टा सीधा खा लिया था आपने इस कंडीशन में? नहीं यार क्या करते रहते हो यार, एक टेंशन खत्म नहीं होता, तुम दूसरा ला के रखती हो फगली। यार मैंने क्या किया है। आप केयर नहीं करते ना ऐसे प्रेग्नेंट और ऐसे सब कैसे? यार पता नहीं अब इसका मतलब क्या होता है। रुको मैं फोन कर रहा हूँ, शांत बैठो 2 मिनट प्लीज। हेलो। हाँ सर, वो क्या हो रहा है ना, मैम है। हाँ, उनका सुबह लगाया था, उन्होंने उठाया नहीं दोस्तों, इसलिए आपको किया। एक्चुअली ना इसको ना वो पैचेस जैसा लग रहा है, कह रही है ब्लड पैचेस हो रहा है करके, अभी वॉशरूम गई थी सो। और तुम्हें मतलब ऐसे क्लोट्स बन रहा है या क्या हो रहा है? ये बस नहीं ब्लीडिंग हो रही ब्लड है। के ब्लीडिंग नहीं हो रही है, मैं बोल रही हूँ ना ब्लड के पैचेस थे, दैट्स इट। ब्लीडिंग नहीं हो रही है प्रॉपर। सुन लिया डॉक्टर साहब? हाँ जी, तुम बस क्या करना है, अर्जेंट लेके आऊँ? ठीक है ओके, अभी हो ना, मतलब अभी रात के 9:30 बज रहे हैं। हाँ ठीक है, चलो कहाँ जाना है, हॉस्पिटल जाना है। और कहाँ जाना है? क्या मैम आ रही है, बोला मैम चेक मैंने, करेगी। डॉक्टर बोलिए अब अर्जेंटली लेके आ जाओ, एक बार हम चेक करते हैं, क्योंकि अब हमें नहीं पता ना क्या होता है क्या नहीं होता है, हम डॉक्टर थोड़ी हैं। तुम्हारा दिमाग यार, तुम क्यों ऐसा करते हो यार? आप केयर करा करो यार अपने, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अब रो क्यों रहे देखा हो? है जो तुम रो दिया है। तुम ऐसे आंसू क्यों आ रहे? रोना नहीं होता ना ऐसी कंडीशन में। चलो आ जाओ मेरे पास, बैठो इधर बैठो इधर। आई लव यू। I love you too. ऐसे आंसू नहीं आने देखकर, ठीक है? मैं पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और तुम ऐसे डरा देते हो इंसान को। पहले ही देखो इतना खर्चा हो गया इस महीने हमारा, क्या देखो तो सही, इतना खर्चा हो गया। मैं इसकी वजह से डरा हुआ कि ये कैसे पॉसिबल होगा, हो गया अचानक इतना सब, और अभी आपने न्यूज़ दे दी और धक्का लग गया। यार मैं ना, मेरे को डर लगता है यार ये सब चीज़ों से। तो मेरे को भी डर लग रहा क्या? पहले ना मैं बहुत स्ट्रांग हुआ करता था हॉस्पिटल के नाम से, लेकिन अब जब से तुम्हारे ये प्रेगनेंसी एंड ऑल का है, तब से ऐसा डर बैठ गया अंदर से कि सब ठीक होना चाहिए, सब ठीक होना चाहिए, सब ठीक होना चाहिए। हर रोज प्रे करते रहता हूँ। अब ऐसे लोड नहीं लेना कभी जिंदगी में। अब ये कुछ नहीं हो रहा है, मुझे नहीं पता होता क्या है। मम्मी को बताया आपने? ठीक नहीं तो मैं बताया, अभी तो आई हूँ मैं वॉशरूम से। है, तो हम सीधा हॉस्पिटल चलते हैं, फिर बाद में मम्मी को बताएं, ठीक है? तो वैसे पता सब उनको तो ठीक कुछ ना होगा कुछ ना पता ही मेरे होगा को। होता क्या है। हाँ हो सकता है ना, नीचे फोन करके देखो, मम्मी नहीं बताएगी शायद कुछ। अभी रुको, अभी वो डर जाएंगे, ठीक है? अभी उन्हें डराना नहीं है, ओके? शांति से। आप क्यों कांप रहे हो? हाथ पकड़ो मेरा। मुझे डर लग रहा है, गलत तो नहीं होगा ना। नहीं होगा, तुम ज्यादा टेंशन लोगे, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो गया ना और प्रॉब्लम होगी। शांत शांत, एकदम शांत, गहरी सांस लो।
वेरी गुड, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना आपके साथ। इधर देखो मेरी आंखों में, कोई डर की चीज नहीं है, कुछ नहीं होता डर वर, हिम्मत रखो। जा रहा है ना हॉस्पिटल, वहां पे जाके पता चल जाएगा। वो बोले कि 15 मिनट में आप आ जाओ, तो आप एक काम करो, आप अभी थोड़ी बहुत वो वार्म वाटर बैग है ना, वो वाली जो मैंने लाई थी वो रख लो, ठीक है, 2-3 कपड़े रख लो, चद्दरें रख लो, ठीक है, ऑन टाइम काम भी आ सकता है ना। और मतलब आप कुछ मत करो, मैं आपको बस बता रहा हूँ, मेरे को याद दिलाना, ये लेना है, मैं निकाल लूंगा, ठीक है। और आप अपनी केयर करो, बस यहाँ पे बैठे रहो, अपने आप का ध्यान रखना है। मैं कितना समझाता हूँ आपको हमेशा, ये मत खाओ, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो, लेकिन आप मेरी कोई बात सुनते हो नहीं ना? अच्छा सच्ची? पूरे सिचुएशन में कितनी बार सुना मैंने, हर चीज तो मानी है। और जो छोटी छोटी बातें होती है, जो भी इम्पोर्टेंस रखती है, वो मानी है? हाँ मानी है, एक टाइम पे नहीं मानती थी, बाद में तुम जब नाराज हो जाते फिर मानती थी उस चीज को भी। हे भगवान, इतना झूठ बोलने वाला क्यों दिला दिया मेरे को पत्नी इस समय? भगवान ने गलत हो गया मेरे साथ। बोलती हूँ सच तो बोला, कभी नहीं मानते आप मेरी बात, मैं कितना बोलते रहता हूँ आपको कि जान ये मत करो, वो मत करो, इसे ये होता है, उसे वो होता है। जब आपके नॉर्मली पीरियड्स भी आते थे तो मैं कितनी केयर करता था, और आप उस चीज को ऐसे ले लेते थे जैसे मैं भाई अपने सर पे आसमान उठा के बैठा हूँ उस चीज के बारे में, और बाद में खुद तकलीफ झेलते थे हमेशा। नहीं मेरे को तो ऑयली खाना है, मेरे को क्रेविंग हो रही है, मेरे को खाने दो, तो जो खा लेते थे और रात में पैर मेरे से दबवाते थे। नहीं तुम्हारे साथ ये होता है ना, तुमको पता चलता क्रेविंग्स कंट्रोल नहीं कर सकता इंसान इतनी जल्दी। मेरे साथ तो रोज होता है क्रेविंग्स वाला पार्ट। ओके मैं तो रोज तड़पता हूँ, मेरे को रोज कुछ नया नया खाने का मन करता है। मैं तुम्हारी वजह से इतना कंट्रोल कर रहा हूँ ना खुद पे, ठीक है, एक्चुअली हमारी वजह से, और ये थर्ड पर्सन जो है अभी आने वाला हम दोनों के बीच, उसकी वजह से जो मैं कंट्रोल कर रहा हूँ ना अपनी क्रेविंग्स पे, मेरे को कभी पाव भाजी खाने का मन करता है, कभी मेरे को भेल खाने का मन करता है, कभी मेरे को वो क्या होता है वो पैटिस खाने का मन करता है, कभी कभी मेरे को आलू की टिक्की खाने का मन करता है, कभी कभी मेरे को तेज मटन खाने का मन करता है, कभी कभी एकदम तेज चिकन खाने। भूख लग गई, देखो ये हाल होता है मेरा, बट मैं कितना कंट्रोल करता हूँ, लेकिन आप नहीं समझते, आपको लगता है सिर्फ आप सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, मेरा सैक्रिफाइस तो दिखता नहीं है। अभी तो कुछ ही टाइम रह गया ना, अभी तो तुम्हें मिल जाएगा दोबारा खाने में, तुम्हें नहीं मिलेगा ना, और तुम मेरा मुंह देखोगे जब मैं खाऊंगा तो, इसलिए मेरे को खाना नहीं मिलेगा। नहीं कुछ महीनों तक नहीं मिलेगा। क्या हुआ? इतने टाइम से मैं रुकी हुई हूँ। कोई बात नहीं ना मेरी जान, 3-4 महीने नहीं मिलेगा, उसके बाद तो मिल जाएगा ना। उसके चक्कर में बाहर भी नहीं जाती मैं, कहीं पता है ना चेकअप भी करवाने जाते हैं, सिर्फ हॉस्पिटल से वापस घर आती हूँ, मैं इधर उधर भी नहीं देखती कि कौन सा स्टॉल निकल के गया। पता है मुझे एक बार तो मेरे को कपड़ा लगा के लेके जाना पड़ा था आपको आंखों पे, ताकि वो नहीं होता है, मैं तो वो सोचता हूँ घोड़े को नाल बनाते हैं आंखों पे ताकि उसकी नजर इधर ना जाए, स्ट्रेट रहे, ठीक है। मैं कभी कभी सोचता हूँ वैसे पट्टा बनवा के आपको पहनवा दूँ ताकि आप स्ट्रेट देखो। हाँ तो स्मेल तो आती है ना कितनी अच्छी अच्छी, मैं आपको चिमटा लगवा दूँ। मारी दो मेरे को। नहीं ऑक्सीजन का सप्लाई भी दूंगा ना अंदर। बहुत टैलेंटेड हूँ मैं, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात सुनो, अब ठीक लग रहा है, हंस दिए तो बेटा? हाँ वैसे तो ठीक लग रहा है, पर मेरे को उस चीज की टेंशन है कि पता नहीं ये क्यों हो रहा है। अरे कुछ नहीं होता, इतना टेंशन नहीं लेते, कुछ नहीं होगा। अरे यार हम इतना कुछ करते हैं सबके लिए, सबके साथ अच्छे से रहते हैं, सब अपना हमारे कर्म भी अच्छे हैं, खराब तो है नहीं, है ना। और हम भगवान भगवान की पूजा वूजा ये सब भी बहुत करते हैं, आप तो खासकर बहुत करते हो, बहुत मानते हो, तो डर किस बात का है, वो देख लेंगे जो है वो, ठीक है। चलो चलें जल्दी। तुम बस एक काम करो, आप अभी यहाँ पे ऐसे लेटो, लेटो हाँ, धीरे से हाथ पकड़ो मेरा, धीरे धीरे क्या? हाँ जाना है, 10 मिनट दो, मैं बैग वैग तो पैक कर लूँ, चद्दर वद्दर भी लेनी है, मम्मी सवाल पूछेंगे उनको जवाब भी देने, उसके जवाब भी रेडी कर लूँ, ठीक है, मनी मन में।
ठीक है चलो हाथ तो लेटो धीरे धीरे आराम से हाँ देखना ऊपर वो सर को लगेगा। हाँ गुड मेरे पागल बीवी, मैं लिप्स पर किस करना भी छोड़ दिया तो मैं ये सोच के कि मेरे जर्म्स तुम्हारे अंदर जाएंगे, मैं उस चीज की भी क्रेविंग होती है मेरे को पता है। ऐसे आगे फोरहेड पे ये देखो ऐसे ऐसे किस करने में मजा तो आता है, लेकिन यार मन करता है यार तुम्हें आके लिप्स पे एकदम टाइट वाले किस कर दो, बट नहीं कर सकता ना, है ना। अलाउड है मतलब ऐसा भी नहीं कि नहीं है, बट स्टिल डर लगता है इंसान को भाई। अगर मैं इन्फेक्टेड रहा किसी चीज से मुझे पता नहीं और वो तुम्हें होगा खतरा है, इट्स बेटर कि दूर रहो राइट बेबी। राइट रात में तुम्हारे साइड में भी नहीं सोता हूँ, रीजन साला मेरी लाते बहुत चलती है, बर्ड की पेट फेंका दी तो नीचे सो रहा हूँ मैं, तुम्हें ऊपर से ला रहा हूँ, कितना दुख होता है ना अंदर से, सिर्फ मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। आपको हाँ, क्या है, मैं आपको तो नहीं सिर्फ पेन। जानती। हाँ नहीं जानते मैं पहले कितना तुम्हें चिपक के रहती थी, कब तुम्हें हक करती थी, भले ही तुम काम करते हो या कुछ भी कर रहे हो। हाँ, तुम मेरा पेन, फिर दर्द भी नहीं समझ सकते। हाँ, मेरा कहाँ पेन पेन कह रहा हूँ, प्यार कम हुआ है आपके लिए है तो कम तो मेरा भी नहीं हुआ। तो बस फिर अब हो जाएगा ना आपका कम, मुझे पता है सारा टाइम सुसु बॉटी साफ करने में निकल जाएगा आपका। नहीं मैम, हम वो होता है ना फिंगर गेम होती है, दोनों अपनी एक एक उंगली आगे करेंगे, फिर उसे चूज करवाएंगे कौन करेगा। हे भगवान जिसकी मतलब उंगली बचपन से ही बच्चे को जुआ खिलवानी है हाँ, जिसकी उंगली वो पकड़ेगा वो करेगा उसका नहीं सुधरोगे आप नाम, ठीक कभी। मैं तो वो रोएगा तो तुम बोलोगे क्या खाएगा क्या खाएगा, मैं तो रुको विस्की ला तो बहुत मजा आएगा। तुम दूर ही रहना, ठीक है, फालतू मजाक चीजें करो, लेके। अरे यार वो इंस्टा पर रील्स नहीं आती है उसकी बात कर रहा था, मजाक कर रहा हूँ यार ट्रस्ट मी। अच्छा सुनो मैं क्या कह रहा था ना, जाना मैं कर लूँ बैग रेडी, हाँ कर लो, अभी आपको बेटर लग रहा है, कोई पेन कोई तकलीफ? तो कुछ नहीं हो रहा। ठीक है तो अभी चले जल्दी वहां जाके बैठेंगे। ओके मास्क वास्क लगा लेना, ये लो वो साइड में है लो। गुड आई लव यू। लव यू टू, मैं तो 1 मिनट में बैग तैयार करके, ठीक है ठीक है। मेरी गधेड़ू। और वैसे बाय द वे इससे होता कुछ नहीं है, ज्यादा लोड मत लो ठीक है, ट्रस्ट मी। अभी उम्मीद करती हूँ। चलो हेलो एवरीवन, तो फिर कैसे हो सब? यार मुझे लगता है कि आप लोग को वीडियोस पसंद तो आ रहे हैं, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करना चाहते। भरोसा करता हूँ यार, कर दो इस वीडियो को भी लाइक। सिर्फ आफ्टर मैरिज वाली सीरीज़ में ही लाइक्स एंड व्यूज़ ज़्यादा नहीं चाहिए, हर वीडियो में आने चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। मेंबरशिप लेना चाहते हो ले सकते हो, टेलीग्राम हमारा चैनल बन चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गो एंड चेक इट आउट। सब्सक्राइब उधर भी कर देना ताकि चैनल से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स डेली मिल सके, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स किए बिना कोई नहीं जाएगा, प्लीज़ करा दो यार।